कैसे हैं? आज जो है मैं एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत ही मज़ेदार, ज्योग्राफी का, जो कि हमारे जो वातावरण, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कई परतें पाई जाती हैं, उन तमाम परतें, उन सभी परतों के बारे में मैं कुछ आपका इफेक्ट लेकर, मैं जानकारी लेकर आया हूँ। जैसे मान लीजिए कि यह धरती है, ये क्या है? अर्थ है। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक अर्थ है। अर्थ के थोड़ा सा 20 किलोमीटर ऊपर जाइएगा, अर्थ से, पृथ्वी से 20 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो क्षोभ मंडल होता है, और क्षोभ मंडल में वर्षा वर्षा आता है, बादल तूफान सभी घटनाएं इसी में घटती है, बरसात इसी में होती है, इसी में बादल घूम तैरते रहता है, इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उससे यहाँ अर्थ से लेकर 50 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो आपको समताप मंडल पाया जाता है, और इसी मंडल में एक और मंडल होता है जो ओजोन, जिसको ओजोन परत करते हैं, यह जो है वायुमंडल से आने वाली पराबैंगनी किरणें से हमें रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट किरणें से यह रक्षा करती है हमें, उसको आने से धरती पर रोकता है। अगर यह नहीं रहेगा तो यहाँ काफ़ी जो है मुश्किलें बढ़ जाएगी। और इसी में समताप मंडल में वायुवान उड़ता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही साफ मौसम रहते हैं, बहुत ही शांत वातावरण रहता है, समताप मंडल में वायुवान उड़ते हैं। अर्थ से 80 किलोमीटर की दूरी पर जाइएगा तो मध्य मंडल होता है, और मध्य मंडल सबसे, जिसको मीजोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में, सबसे ठंडा कूल है, यानी -100 डिग्री के साथ सबसे कूल, यानी सबसे ठंडा जो है ये मंडल पाया जाता है। अर्थ से 600 किलोमीटर में, अर्थ से 600 किलोमीटर में आता है जिसको हम लोग आयन मंडल कहते हैं, जिसमें जितना भी रेडियो वायलेट किरण, जितना भी किरणें होती है, जिसके द्वारा हम लोग टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो ये सारे जो किरणें होता है यहाँ से मिलती है हमें, सभी जो है किरण यहाँ से टकरा करके हमारी पृथ्वी पर वापस आती है, इसी को हम ताप मंडल भी कहते हैं। और इस सबसे बाहर में जाइएगा तो 1000 किलोमीटर में बहिर्मंडल, जिसको एग्जोस्फीयर कहते हैं, और बहिर्मंडल में क्या होता है कि जो सेटेलाइट वगैरह, जो सेटेलाइट है, सेटेलाइट वगैरह छोड़ दिया जाता है और उसी मंडल में तैरते रहता है। तो कैसे लगा वीडियो दोस्तों? प्लीज़ अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि व्यू तो बहुत आता है लेकिन लाइक नहीं मिलता है दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।